हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। हमने जस्ट खत्म किया आपके एजोल को एज अ एंटीफंगल ड्रग। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजोल देखे, टॉपिकल भी देखे, इमिडाजोल भी देखे, ट्राई एजोल भी देखे। आज हम बात करने वाले हैं एंटीफंगल ड्रग का एक और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। बहुत छोटा सा है इसके काम करने के तरीके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आज देखें। और आज का ये ड्रग है टर्बिनाफीन। इसके अंदर हम बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ एक दो एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में भी देखेंगे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, और इसी वीडियो के में इनको डिटेल से एनिमेशन के रूप में भी इनके काम करने के तरीके को 1:1 फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो टर्बिनाफीन है वो कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। ये जो टर्बिनाफीन है वो एग्जांपल है अलाइलेमिन, न्यूअर टाइप ऑफ एंटीफंगल ड्रग का। और इनकी जो एक्टिविटी है, यानी कि इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव होते हैं दोनों तरीके से। अगर मैं इनको ओरल रूट से लूं तो भी, और इनको टॉपिकली अप्लाई करूं तो भी, क्योंकि ये दोनों तरीके से एक्टिव है। और इनका जो एक्शन है वो किस तरह के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में दूर होता है, तो ये बेसिकली ठीक करते हैं आपके डर्मेटोफाइट्स को और खास करके कैंडिडिया को। और इनका जो ग्रुप है, जैसा मैंने कहा, अलाइल एमिन को बिलोंग करते हैं। अगर मैं कहूं कि ये काम करने के तरीके को बिलोंग करेंगे, लेकिन साथ साथ ये एंटी फंगल के रूप में फंगिसाइडल का काम करेंगे, तो भी इनके प्रोफाइल को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। सो टर्बिनाफीन इज अ फंगिसाइडल इन नेचर। अभी आप जानते ही हैं कि फंगिसाइडल का मतलब क्या होता है। ऐसे ड्रग जो कि फंगस के ग्रोथ को पूरी तरह से खत्म कर दें, जीरो कर दें, ये फंगिसाइडल कहलाते हैं। और जो इनके ग्रोथ को कम करते हैं, सप्रेस करते हैं, इनहिबिट करते हैं, इन्हें हम फंगिस्टैटिक कहते हैं। सो अकॉर्डिंगली ये सिडल के अंदर रखे गए हैं। अगर मैं इनके काम करने के तरीके को शॉर्ट में बोलना चाहूं, तो इनके काम करने का तरीका, यानी कि जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो बेसिकली होता है दे एक्ट एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ स्क्विलिन इपॉक्सिडेज। तो इस लाइन में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपने पहले भी देखा होगा, एक पूरा बायो चार्ट हमने बताया था, वहां पे भी देखे हैं कि कैसे ये चीजें काम करती। पहले मैं आपको नॉन कॉम्पिटिटिव को मतलब बताता हूं, फिर मैं एक छोटा सा इमेज दिखा दूंगा आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, तो डिटेल पे अलॉट किया है फार्माकोलॉजी 1 में, एकदम शॉर्ट में देखें। अगर किसी एक जगह को एक को रिप्लेस करने के लिए दो चीजें आपस में फाइट कर रही हैं, कॉम्पीट कर रही हैं, दैट इज सिंपली नोन एज अ कॉम्पिटिटिव, अदरवाइज इट इज नोन एज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहां पर यह नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसके लिए, किसको इनहिबिट कर रहे हैं? ये इनहिबिट कर रहे हैं स्क्विलिन इपॉक्सिडेज को। और ये स्क्विलिन इपॉक्सिडेज क्या है? दिस इज अ एंजाइम व्हिच इज अ अर्ली फेज एंजाइम कह सकते हैं। दिस इज अ एंजाइम व्हिच जनरेट स्क्विलिन इपॉक्साइड। स्क्विलिन इपॉक्सिडेज एक एंजाइम है जो कि आगे जाकर के स्क्विलिन इपॉक्साइड को बनाने का काम करता है। अब अगर आपने वो पुराना जो इमेज है वो नहीं देखा, तो एक बार इस इमेज को भी देख लें, पूरे फ्लो चार्ट को देखें, तो इजी समझ में आएगा। फिर मैं वापस आ जाऊंगा इसके अगले स्टेप पे। इस स्टेप को आपने देखा कि कैसे आपके स्क्विलिन आगे जाकर के स्क्विलिन इपॉक्सिडेज, स्क्विलिन इपॉक्साइड, उसके बाद ये पूरी चीजें बनती रहती हैं। तो फाइनली जब स्क्विलिन इपॉक्सिडेज ने स्क्विलिन इपॉक्साइड नहीं बना पाया, क्योंकि इसके साथ में कॉम्पिटिटिव इनहिबिट कर रहे हैं, तो फिर आगे जाकर के इनका जो कन्वर्जन था एर्गोस्टॉल में, वो भी कैसे होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखा था। यहां पर देखिए अब अगला, स्क्विलिन इपॉक्साइड जो अगर बन रहा हुआ होता, तो अभी बना नहीं क्योंकि इनहिबिट कर दिया एंटीफंगल। अगर बन रहा होता तो यही स्क्विलिन इपॉक्साइड आगे जाके लेनोस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता, ये लेनोस्ट्रॉल आगे जाकर के डिफरेंट एंजाइम की मदद से एर्गोस्टॉल में कन्वर्ट हो रहा होता। ये जो एर्गोस्टॉल है ये फंगल में बन रहा है, और इस एर्गोस्टॉल जो कि स्टेरॉल का एग्जांपल है, ये बेसिकली फंगल सेल के सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है। क्योंकि हमारे आज के एंटीफंगल ड्रग टर्बिनाफीन ने इसी स्क्विलिन इपॉक्सिडेज, इपॉक्सिडेज में ये लास्ट वर्ड देखें, एज को डिनोट कर रहा है, विच इज एन एंजाइम अर्ली स्टेज, सबसे पहले का एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है, वो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको इन्होंने नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से इनहिबिट कर दिया। ये मेन पॉइंट, इनहिबिट कर दिया। तो इनके इनहिबिट करने की वजह से जो इनका अगला स्टेप हो सकता था आगे कन्वर्जन का, वो था स्क्विलिन इपॉक्साइड। अब वो स्क्विलिन इपॉक्साइड नहीं बनेगा, तो स्क्विलिन इपॉक्साइड नहीं है, तो यहां पे आगे जाकर के कन्वर्जन नहीं होगा लेनोस्टॉल में, और जब लेनोस्टॉल नहीं है तो आगे जाकर के इनका जो कन्वर्जन होगा अर्गोस्टॉल में नहीं होगा, और अर्गोस्टॉल में नहीं होगा तो बाकी जो इनके प्रोसेस है वो नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के इनके आगे का स्क्विलिन इपॉक्सिडेज के आगे के पूरे प्रोसेस नहीं होंगे, केवल इनिश वो रह जाएगा।
क्योंकि इनको अब यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इनकी अधिकता उस फंगल सेल में ज्यादा होती जाएगी और ये एक्यूमुलेट होने लगेंगे उसी फंगल सेल में। और इनके जो फंगिसाइडल होने का मेन कारण है वो यही है कि स्क्विलिन बहुत मात्रा में जमा होगा और वही जमा होने का रीजन इसके फंगल सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। सो आगे कन्वर्ट नहीं होगा तो स्टार्टिंग बेसिक मटेरियल, रॉ मटेरियल, इनिशियल प्रोडक्ट वही एक्यूमुलेट होगा। चलिए आगे का भी प्रोसेस देख लेते हैं। क्योंकि देखिए यहां पे अगला पॉइंट, एक्यूमुलेशन ऑफ स्क्विलिन अपीयर्स इन फंगल सेल। जब यहां पे पूरा कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, स्क्विलिन इपॉक्साइड भी नहीं बन रहा है, तो फाइनली कौन जमा होगा? स्क्विलिन। तो इनका एक्यूमुलेशन अपीयर्स इन फंगल सेल एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंगिसाइडल एक्शन एज पर द रेफरेंस ऑफ केडी त्रिपाठी, पी जगदीश प्रसाद एंड पद्मजा उदय कुमार। ये जमा होंगे तभी इनको फंगिसाइडल एक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात जो कि डिफरेंशिएट करता है हमारे सेल्स को इस फंगल सेल से, अगर हम इसको लेते हैं स्क्विलिन इपॉक्साइड को बंद करने वाले के लिए टर्बिनाफिन, तो ये हम पे असर क्यों नहीं कर सकता? उसका कारण और उसका आंसर यहीं पे है। मैमेलियन एंजाइम, यानी कि हमारा एंजाइम जो कि हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल को बनाने में काम करेगा, इज इनहिबिटेड ओनली बाय 1000 फोल्ड एट हायर कंसंट्रेशन। यानी कि इनके इस बैक्टीरिया सॉरी इस फंगल को खत्म करने के लिए जिस टर्बिनाफिन का कंसंट्रेशन हम लेते हैं, इसका 1000 टाइम्स अगर लेंगे तो हमारे कोलेस्ट्रॉल के बनने के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, तो इसलिए ये हमारे ह्यूमन को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंशिएशन हो गया। अब अगर मैं बात करूं इनके अनवांटेड इफेक्ट की, यानी कि एडवर्स इफेक्ट की, तो बेसिकली इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, दो क्लासेस में हो सकते हैं, एक नॉर्मली अगर ओरल लेते हैं तो, दूसरा टॉपिकली लेते हैं तो। वैसे तो उतने ज्यादा साइड इफेक्ट इसके नहीं देखे गए हैं, फिर भी कुछ साइड इफेक्ट हैं जिनको हम समझ सकते हैं। तो ये है गैस्ट्रिक अपसेट, यानी कि आपके जो जीआईटी का पार्ट होगा थोड़ा सा उसमें अपसेट फीलिंग होगी, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, स्मार्ट या माइल्ड इरिटेशन भी जनरेट हो सकते हैं, साथ साथ हेडेक होगा, रैशेस जनरेट हो सकते हैं और टेस्ट का डिस्टर्बेंस हो सकता है, यानी कि एक्चुअली आपके टेस्ट बर्ड में थोड़ा सा अल्टरेशन होगा, टेस्ट को इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, साथ साथ हेपेटिक डिसफंक्शन भी हो सकता है, लीवर का प्रॉपर काम ना करना ऐसा भी दिख सकता है, बट इट इज नॉट एज डेंजरस एज अदर टाइप ऑफ। दूसरा है हिमेटोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, हिमेटोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मतलब ब्लड के बनने को लेकर के कुछ ना कुछ इसमें अल्टरेशन देखने को मिल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके टॉपिकल एप्लीकेशन पे, तो आपको दिखेंगे कुछ अनवांटेड इफेक्ट, वह अर्टिकारिया, थोड़े से खुजली होगी आपकी स्किन में, दाने दाने निकल सकते हैं, ड्राइनेस लगेगा, स्किन ड्राइनेस लगेगा जहां पे अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी खुजली हो सकती है, इचिंग हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, और ये कुछ माइल्ड टू मॉडरेट एडवर्स इफेक्ट है एसोसिएटेड विद द टर्बिनाफिन इन टॉपिकल रूट। अगर मैं इनके यूज के बारे में बात करता हूं तो यूज के बारे में भी देखते हैं। सबसे पहला है ओरल ट्रीटमेंट विद 250 mg OD। अगर इनको ओरल रूट से लेते हैं तो डोज के बारे में हम कभी बताते हैं, यहां भी इंक्लूड कर रहे हैं, 250 mg वंस इन अ डे लेते हैं अगर, तो ये टीनिया कैप्टिस और वाइड स्प्रेड लेजन को ठीक करने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ इनका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी 3 to 6 months डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ कंडीशन, बेसिकली एक एवरेज रेंज में ये है। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हुई। तीसरा, एफिकेसी इन नेल इन्फेक्शन इज अबाउट 90%। ये एक जानने लायक बात हो गई क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं नेल इंफेक्शन में किसकी एफिकेसी दूसरे की तुलना में कंपैरेटिवली टू इट्राकोनाजोल ये थोड़ा ज्यादा है। सो अगर किसी को नेल में इंफेक्शन हो गया है, बेसिकली पैरों के नाखून में ब्राउन कलर के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं जो साइड साइड से उनको इंगल्फ करना स्टार्ट करता है, इस तरह के कोई इन्फेक्शन हो गए होंगे तो हम आपके इसी टर्बिनाफिन को यूज कर सकते हैं और ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा इट्राकोनाजोल की तुलना में। तो ये तो हो गया आपके इस व्हाइट बोर्ड का सेक्शन, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी ये जो आपने पॉइंट्स देखे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, इसको इजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे एक फ्लो चार्ट वाले एनिमेशन के थ्रू से। तो आज के जो इस वीडियो का रेफरेंस है वो मैंने आपको बताया, केडी त्रिपाठी, पद्मजा उदय कुमार और पी जगदीश प्रसाद। आज का ये स्क्रीनशॉट लेना और एनिमेशन वीडियो का भी स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सिंपल सा है। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर बाद एनिमेशन के खत्म होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको दोनों का स्क्रीनशॉट अवेलेबल हो जाएगा। सो एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।